हेलो फ्रेंड्स, एसी क्रिएशन के कुकिंग कॉर्नर में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चीज़ी पास्ता मैक्रोनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कैबेज लिया, कैप्सिकम, टमाटो और ग्रीन चिली सबको फाइनली चॉप कर लिया है। चीज़ स्प्रेड लिया है मैंने, मेयोनीज़ 1 टेबल स्पून लेंगे, टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर लिया है हमने, विनेगर 1 टीस्पून लेंगे बस, और टमाटो केचप और अपना ग्रीन चिली सॉस हम लोग 1 टेबल स्पून लेंगे। तो पहले कढ़ाई में हमने पानी बॉईल कर लिया है। पानी बॉईल करते टाइम 1 स्पून ऑयल और 1 स्पून सॉल्ट हम डाल देंगे और इसको गरम कर लेंगे। जब बॉईल होने लगे तो हम इसमें मैं अपनी मैक्रोनी डाल देंगे या पास्ता डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। बाकी जब तक हम एक दूसरा पैन गरम करते हैं और इसमें हमने तेल गरम कर लिया है अपना। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें क्यूमिन सीड यानी कि जीरा डालेंगे। वन स्पून जीरा है तो मैंने इसमें क्यूमिन सीड डाल दिए हैं। और जब ये चटकने लगे, जब इसमें स्प्लिटर्स की आवाज़ आने लगे, तब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूँगी। तो मैंने ग्रीन चिली अपना डाल दिया है, ग्रीन चिली भी अच्छे से भुन जाए 1 मिनट कम से कम। ये देखिए ये भुनना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें अपना टमाटो डालूंगी। टमाटो मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, ये 1 टमाटो है मेरा स्मॉल साइज का, नॉट स्मॉल साइज, इट इज मीडियम साइज टमाटो। तो इसको अच्छे से तेल में चला देंगे हम और इसको भूनेंगे कम से कम 2 से 4 मिनट। जब भुन जाए, कम से कम 5 मिनट हो जाए, तो इसमें हमने कैप्सिकम डाल दिया है अपना। आप ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने रेड और ग्रीन हाफ हाफ लिया है। अब हमने अपनी कैबेज ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक हम देख लेते हैं हमारी मैक्रोनी हो गई होगी। तो मैंने देखा मेरी मैक्रोनी हो गई है और मैंने इसको दबा के देख रही हूँ कि ये पक गई है कि नहीं, और ये हाफ कट हो रही थी बड़े आराम से, तो ये बॉयल हो गई है। अब इसको हम अलग से छान लेंगे, एक बार दूसरे में पानी निकाल देते हैं। तो सारा पानी मैंने निकाल दिया है और इधर मेरी सब्जी भी अच्छे से भुनना शुरू हो गई थी, स्मेल आने लगी है। पत्ता गोभी मैंने बॉईल करके इसमें डाला है, आप भी कोशिश करिए बॉईल करके चॉप करके डालिए, क्योंकि पत्ता गोभी में बोलते हैं कीड़े बहुत होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी इसको बॉईल करके ही डालिएगा। तो ये फ्राई हो गई है, कम से कम 5 से 10 मिनट पत्ता गोभी को डालते हुए हमें कैबेज को डालते हुए हो गए थे, और बीच बीच में हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। अब मैंने इसमें अपना टमाटो सॉस डाल दिया है। टमाटो सॉस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, विनेगर डाल दिया। अब हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, मैंने 1 स्पून डाला है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है।
अब मैं इसमें अपनी चीज़ की स्लाइस डालूंगी। मेरे पास अमूल चीज़ स्लाइस थी तो मैंने उसको डाल दिया है। आपके पास चीज़ स्प्रेड है आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको छोटा छोटा करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून मेयोनीज डाला। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क हो वो भी डाल सकते हैं 1 स्पून। इसमें सॉल्ट डाल देंगे। फिर हम लोग इसमें काला नमक और मेरे पास ऑर्गेनो पिज़्ज़ा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स थे तो मैंने वो भी थोड़ा 1 स्पून डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो कोशिश करिए ये दोनों चीज़ें स्किप मत करिएगा। देखिए हमारे बॉईल होने लगा है और जब उबाल आने लगे अब हमने इसमें थोड़ा सा पास्ता मसाला हाफ पैकेट अपना पास्ता मसाला या मैगी मसाला भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1 स्पून डाल दिया और दो सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब बॉईल आने लगे तब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे सबसे एंड में और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से अभी कम से कम 10 मिनट अपने मसाले के साथ अपनी चीज़ी जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसके साथ इसको भून लेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे मुझे पता चले कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं मेरे वीडियोस को मेरे रेसिपीज़ को। तो जैसा भी अब अच्छा लगे या बुरा लगे प्लीज़ कमेंट करिए। तो ये देखिए बॉईल होने लगा था और अच्छे से भुनने लगा था हमारा पास्ता। हमने इसमें चीज़ डाला है तो चीज़ का फ्लेवर अलग ही आता है। आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं बट हम चीज़ी सॉस चीज़ी पास्ता बना रहे हैं चीज़ी पास्ता मैक्रोनी इसलिए कोशिश करिए आप चीज़ डालिए। आप विदाउट चीज़ भी पास्ता बना सकते हैं यही सेम रेसिपी के साथ। तो कम से कम 8 से 10 मिनट मेरे होने वाले हैं और मैं इसको कंटिन्यूस चलाती रहूँगी अच्छे से भूनूंगी। और ये हो गए हैं ये तैयार है। ये देखिए मेरी पास्ता तैयार हो गई है कितनी कूल दिख रही है कि नहीं। तो इसको चाय के साथ बच्चे बड़े सब खाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।